साजन फिल्म का रीमेक क्यों बनना चाहिए और इसके रीमेक के लिए क्या ऋतिक रोशन को लेना चाहिए? ये बॉलीवुड की कल्ट फिल्म क्यों मानी जाती है? माधुरी दीक्षित के सामने सलमान खान बौने क्यों नजर आए? 90 के दशक में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 5 फिल्मों में साजन का नाम क्यों आता है? साजन फिल्म से आमिर खान को क्यों निकाला गया? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, मेरा दिल भी कितना पागल है, बहुत प्यार करते हैं, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, जिए तो जिए कैसे जैसे गाने लोगों के दिलों में आज भी तरोताजा है। संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, सलमान खान स्टारर फिल्म साजन के म्यूजिक को नदीम श्रवण ने कंपोज किया था। साजन फिल्म उस दौर में बॉक्स ऑफिस पर 75 हफ्ते से ज्यादा चली थी, जिसकी वजह से डायमंड जुबली सेलिब्रेशन भी किया गया। साल 1991 की ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। यहाँ तक कि 90 के दशक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 5 फिल्मों में भी साजन का नाम है। आज भले ही सलमान खान फिल्मों के लिए करोड़ों रुपए लेते हों, लेकिन इस फिल्म के लिए सलमान खान को माधुरी दीक्षित और संजय दत्त से भी कम फीस मिली थी। जी हाँ, सलमान खान को साजन में काम करने के लिए महज 11 लाख रुपए बतौर फीस मिले थे। इसी फिल्म के लिए माधुरी दीक्षित और संजय दत्त को 12-12 लाख रुपए मिले थे। ओवरऑल इस फिल्म का बजट महज 1,58,00,000 रुपए था, तो वहीं फिल्म की कास्टिंग में भी काफी दिक्कतें आईं। दरअसल शुरू में फिल्म के लिए सलमान खान और माधुरी दीक्षित के अलावा आमिर खान का नाम फाइनल हुआ, लेकिन कुछ कारणों की वजह से आमिर खान की जगह संजय दत्त को ले लिया गया। दरअसल फिल्म के प्रोड्यूसर सुधाकर बोकाड़े ने पहले संजय दत्त वाले रोल के लिए आमिर खान का नाम तय किया, लेकिन आमिर खान इस बात से खुश नहीं थे कि फिल्म के डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा है। जी हाँ, दरअसल लॉरेंस डिसूजा की फिल्म साजन एज अ डायरेक्टर पहली फिल्म थी। तो दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि बॉलीवुड की इस ब्लॉकबस्टर कल्ट फिल्म का रीमेक बनना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।